हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का इस वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो मैं इसलिए आपको पहले से कह देता हूँ कि आप इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिए, आप एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो नहीं तो एक सीरीज टाइप का है, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस स्केच को कंप्लीट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आई और नोज को ड्रॉ करूँगा। सो मैं फिर से कह देता हूँ, मैं आई और नोज को ड्रॉ करूँगा, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के साथ। सब कुछ आपको बताऊँगा मैं कौन सा पेंसिल कौन सा पेपर यूज़ करूँगा, सो एंड तक जरूर देखिए। और गाइस, मैं आउटलाइन को पहले से ड्रॉ किया हूँ, आप देख सकते हो। मैं ग्रिड मेथड को यूज़ किया हूँ, ग्रिड मेथड को लेकर मेरा चैनल पर बहुत सारा वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, नहीं तो आप मेरा प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा। सो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, बस मैं इस वीडियो में आई और नोज को स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करके दिखाऊंगा। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप एंड तक जरूर देखिए। मैं तो श्योर हूँ कि जो सिंसियरली सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखेंगे ज़रूर। सो कोई बात नहीं, आप एक बिगनर है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके, पार्ट टू पार्ट थ्री हेयर्स वगैरह सब कुछ डिटेल में ड्रॉ करूँगा। सो इस पिक्चर को पहले मैं ब्लैक एंड व्हाइट से कन्वर्ट करूँगा, इसलिए मैं सैचुरेशन का जो आप देख सकते हो एकदम से जीरो कर दिया। आप देख सकते हो मेरा ब्लैक एंड व्हाइट से कन्वर्ट हो चुका है, देन मैं उसको अभी स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करके आपको दिखाऊंगा। और गाइस, आप देख सकते हो मैं जो मटेरियल्स यूज करूँगा वो है आर्टलाइन का पेंसिल और नॉर्मल इरेजर अप्सरा का, जो कि आप देख सकते हो वही है, और नीडेड इरेजर हाईलाइट देने के लिए। उसका एक खास बात यह है कि आप उसको जो भी शेप में कन्वर्ट करके हाईलाइट को दे सकते हो, मैं उसका यूज़ बाद आगे बताऊंगा, सो कंटिन्यू कीजिए। और वो देख सकते हो मैं कटर को भी मेंशन किया हूँ, और ये कटर को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा है। और एक ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा, ब्लेंडिंग के लिए ब्रश, जो कि नॉर्मल वाटर कलर ब्रश, कोई बात नहीं, अगर आपके पास मेकअप ब्रश है तो आप बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। और एक वाइट पेन, जो कि आप देख सकते हो हाईलाइट के लिए यूज़ करूँगा, बट मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, बट फिर भी देखते हैं अगर हो पाएगा तो यूज़ करूँगा। और जो टम्बो जीरो इरेजर, जो कि आप देख सकते हो छोटा छोटा डिटेलिंग हाईलाइट के लिए ये यूज़ होता है। और गाइस, ये वीडियो मेरा चैनल पर पहली बार है कि मैं एक ही स्केच को पार्ट पार्ट करके शेडिंग करके अपलोड कर रहा हूँ, सो ऑब्वियस फैंटास्टिक होने वाला है, सो कीप वॉचिंग। और गाइस, मैं जब भी स्केच को ड्रॉ करता हूँ मैं टिश्यू पेपर को ऐसे रख के ही मैं ड्रॉ करता हूँ, नहीं तो मेरा जो पेपर है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। सो ये तो टिप्स नंबर वन है, वो आप यूज़ कीजिए। और मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, आई को ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। रेफरेंस पिक्चर को आपको काफ़ी अच्छा से ऑब्जर्व करना है, और बहुत ज़्यादा डार्क है आप देख सकते हो, इसलिए मैं पहली बार टूपी पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। देन उसको सेड करने के बाद 4B यूज़ करूँगा, देन उसके बाद 6B, ऐसे ऐसे करके मैं लेयर वाइज लेयर डार्क करते जाऊँगा। और आई बॉल बहुत ज़्यादा डार्क है, इसलिए मैं 4B पेंसिल को यूज़ करके उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और उसका साइड में जो थोड़ा थोड़ा जो डार्क पोर्शन है, मैं उसको भी आप देख सकते हो शेड कर रहा हूँ, क्योंकि यार सब कुछ डिटेल में ड्रॉ करना है, ऐसे नहीं है कि जल्दीबाजी से ड्रॉ करना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप शेड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और उसका जो आई का जो चारों साइड में जो शेड है, मैं अभी उसको मैं 2B पेंसिल को यूज़ करके शेड कर रहा हूँ, और जिस एरिया पर ज़्यादा डार्क है मैं वही एरिया के लिए थोड़ा प्रेशर को यूज़ कर रहा हूँ, और जिस एरिया मेरा थोड़ा लाइट है मैं उसके लिए मैं HB पेंसिल 2B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। देन ये मेरा पहला लेयर कंप्लीट होने के बाद मैं ब्लेंडिंग करूँगा, देन उसके बाद और भी लेयर आर्क करते जाऊँगा। अभी आप देख सकते हो मैं ब्लेंडिंग के लिए मैं वाटर कलर ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, और काफ़ी स्लोली स्लोली ब्लेंड कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि प्रेशर के साथ, मैं बिल्कुल भी जल्दीबाजी से शेड नहीं कर रहा हूँ, बट वीडियो में थोड़ा सा फास्ट किया हूँ। और मैं फिर से और एक लेयर ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मैं 4B पेंसिल को यूज़ करके और एक लेयर को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डार्क है, इसलिए मैं लेयर वाइज लेयर ड्रॉ करूँगा।
और ये तो एक फंडा है कि आप लेयर वाइज लेयर शेड कीजिए, देन उसके बाद ब्लेंड कीजिए, फिर से शेड कीजिए, फिर से ब्लेंड कीजिए और हाईलाइट को ऐड कीजिए, फिर से ब्लेंड कीजिए। ये बहुत अच्छा रूल है क्योंकि आपको जितना बार शेड करना है उतना बार ब्लेंड भी करना है। अभी मैं बस हाईलाइट को ऐड कर रहा था टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करके, और मैं बड़ा बड़ा एरिया को हाईलाइट देने के लिए नीडेड इरेजर को यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और मैं फिर से ब्लेंड कर रहा हूँ और मैं नेक्स्ट में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आईब्रो को। आईब्रो बहुत ज़्यादा डार्क है बट आपको रेफरेंस पिक्चर हिसाब से, आपको वही के हिसाब से आपको स्ट्रोक देना है। और आप देख सकते हो ऐसे ऐसे करके आपको स्ट्रोक देना है, ऐसे ऐसे करके, बट ऐसे करके नहीं देना है जैसे मैं अभी दे रहा हूँ, आपको ऐसे ऐसे करके देना है, देख सकते हो ना, ऐसे ऐसे करके आपको देना है और काफ़ी अच्छा होगा। आपको ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं देना है। मैं फिर से उसको बस और थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, देन मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंड के लिए तो मैं बस सेम वही ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, आप देख सकते हो। और मैं फिर से डार्क कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले से बोला था कि मैं स्टेप बाय स्टेप लेयर वाइज लेयर शेड करूँगा, ब्लेंड करूँगा और हाईलाइट को यूज़ करूँगा, हाईलाइट को दूंगा। हाईलाइट के लिए मैं टोम्बो मोनो जीरो इरेजर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताया था कि मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एरिया के लिए टोम्बो मोनो जीरो इरेजर को यूज़ करूँगा। सेम मैं वही प्रोसेस से बस दूसरा आई को भी ड्रॉ कर रहा हूँ, सो इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बोर हो जाओ, सो आई होप कि आप दूसरा आई को भी ड्रॉ कर पाओगे। गाइस इस स्केच को आप ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये बहुत इजी मेथड है, और ट्राई करके मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कीजिए, मैं ज़रूर से ज़रूर आपका स्केच को देखूँगा। अभी मैं नोज को ड्रॉ कर रहा हूँ, और अभी क्या कर रहा हूँ ना, जो लाइट वाला पोर्शन है मैं उसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ मार्क करके, आप देख सकते हो मैं काफ़ी हल्का से मार्क कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही लाइट वाला एरिया को मार्क करूँगा और रेस्ट जो अदर पार्ट है मैं उसको शेड करूँगा, और आप देख सकते हो मैं शेड कर रहा हूँ। और मैं एच बी पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप लेयर ऐड करूँगा, सो मैं इसलिए अभी मैं एच बी पेंसिल को यूज़ करके शेड कर रहा हूँ। और ब्लेंडिंग के लिए तो मैं सेम वही ब्रश को ही यूज़ करके ब्लेंड कर रहा हूँ, देन मैं उसके बाद और भी लेयर ऐड करूँगा, देन हाईलाइट को भी ऐड करूँगा। आप देख सकते हो मैं सेम ब्लेंड ही कर रहा हूँ, और मैं सेकेंड लेयर के लिए मैं फोर बी पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेकेंड लेयर को शेड कर रहा हूँ थोड़ा डार्क करके। सो आप देख सकते हो वीडियो थोड़ा फास्ट है बट कोई बात नहीं, बहुत। और मैं नीडेड इरेजर का यूज़ करके उसको हाईलाइट दे रहा हूँ, आप देख सकते हो नोज में जिस पोर्शन थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है मैं सेम वही पोर्शन को ही ड्रॉ कर रहा हूँ। और हाईलाइट के लिए मैं नीडेड इरेजर टोम्बो मोनो जीरो इरेजर को यूज़ कर रहा हूँ, सो आप नॉर्मल इरेजर से भी कर सकते हो। और अभी थोड़ा नोज में फिनिशिंग दे रहा हूँ बट ये कम्प्लीट नहीं हुआ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट करके बताऊँगा। सो गाइस आप देख सकते हो फाइनली मेरा जितना पार्ट ड्रॉ करना था वो कंप्लीट हो चुका है, और आई होप कि मैं आपको काफ़ी अच्छा से समझाया हूँ, और आई होप कि आपको भी काफ़ी पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा स्किन को ड्रॉ करूँगा, देन और एक पार्ट आएगा हेयर्स और ड्रेस, वो बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आएगा। सो आई होप कि आपको भी पसंद आएगा, और जो इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा कोई बात नहीं, आप उतना ही ड्रॉ करो, कोई बात नहीं, आप उतना ड्रॉ करके मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करो, मैं आपका स्केच को ज़रूर देखूंगा। अगर आपका कोई गलती हुआ है तो मैं वहीं से आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं। सो अगर आपको इस वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना, थोड़ा सा भी, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरा चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि ऐसा टाइप का वीडियो बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। सो आप समझ सकते हो वॉइस ओवर और वीडियो एडिटिंग, स्केच को ड्रॉ करना, आप समझ सकते हो। सो कोई बात नहीं, आप मेरे लिए एक शेयर ज़रूर करो और मेरा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।